हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तान ने किस तरीके से न्यू ईयर को मनाया। मतलब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुहल्ला शायद होता नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में। चलो देखते हैं कैसे मनाया पाकिस्तान ने इस न्यू ईयर को। एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट करते वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो नाजरीन, कुछ ही लम्हों बाद साल 2022 अपनी तमाम तर तल्ख और शीरी यादें लिए माजी का हिस्सा बन जाएगा और साल 2023 का इस्तकबाल किया जाएगा। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी नए साल के इस्तकबाल के लिए, इसे खुशामदीद कहने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और भरपूर अंदाज से आपको बताएं कि नए साल को मुबारकबाद पेश की जाएगी, इस्तकबाल किया जाएगा। और दुनिया न्यूज़ के नाज़रीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बस कुछ ही लम्हे रह गए हैं, उसके बाद हम अपने नाज़रीन को नए साल की मुबारकबाद भी पेश करेंगे। अगर हम सूरत हाल की बात करें तो कौन सी जगह है, टावर है कुछ जो है वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं और तमाम तर तैयारियां नए साल को मीनार के लिए मुकम्मल कर ली गई है। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा, टेलीविजन स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है और नए साल को, साल 2023 इसको खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पे तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जी बिल्कुल, दुनिया न्यूज अच्छी खासी तैयारियां लग रही हैं। नया साल मुबारक हो पाकिस्तान में, 2023 का आगाज हो गया। 2022 को अलविदा कह दिया। अच्छा, ये अलग अलग जगह है। मुबारक हो, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है, आप देख रहे हैं लाहौर बहरिया टाउन के, कराची बहरिया टाउन और रावलपिंडी बहरिया टाउन के आसमान इस वक्त रोशनी से भर गया है। मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का जश्न, मंचलों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है। जश्न मंचलों और रावलपिंडी में बहरिया टाउन में आतिशबाजी का ये शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। अलविदा साल 2022, खुशामदीद साल 2023, कुछ तल्ख और शीरी अच्छा और हसीन यादों के साथ आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और आज इस उम्मीद और दुआ के साथ नए साल का आगाज करेंगे कि ये साल पाकिस्तान के लिए बरकतों वाला और तरक्की वाला साबित हो। मनाजिर आप इस वक्त दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहरिया टाउन, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के ये मनाजिर हैं। आसमान रोशनियों से भर गया है और शानदार आतिशबाजी का फायरवर्क होता है। इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का जश्न, मंचले बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए हैं। हर कोई अपने अंदाज से अलविदा कह रहा है और साल 2023 को खुशामदीद कहने के लिए आज तमाम तर लोग बाहर निकले हैं। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में बहरिया टाउन में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। जी हाँ, दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से हम अपने तमाम नाजरीन को नया साल बहुत बहुत मुबारक कहते हैं। हमारी यही दुआ है कि ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। हर लम्हे यही दुआ है कि नया साल पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बाबरकत और पुरसकून साबित हो। 2023 मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली का साल हो। ये भी दुआ करते हैं कि नया साल कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी का साल हो। तो ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बहरिया टाउन, रावलपिंडी, कराची और लाहौर से बराह रास्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं। साल 2023 को इस्तकबाल किया जा रहा है, खुशामदीद कहा जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड ने साल 2023 को वेलकम कहा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी हार्बर ब्रिज पे शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि हांगकांग में भी साल नौ का जश्न मनाया गया। तो दुनिया भर में साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है, अलग अलग अंदाज से वेलकम किया जा रहा है साल 2023 को। इसी तरह पाकिस्तान में भी साल 2023 को कराची और लाहौर के ये मनाजिर आप देख रहे हैं, शानदार खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। आसमान इस वक्त रंगो नूर से नहा चुका है और नौजवान यहाँ पे मौजूद है, जश्न मनाया जा रहा है, मंचलों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई है और अपने अपने तरीके से साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है। इस वक्त रावलपिंडी, बहरिया टाउन, कराची और लाहौर बहरिया टाउन में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ अंदाज अपनाए गए हैं नए साल को खुशामदीद कहने के लिए। इस उम्मीद, इस जज्बे, इस जोश के साथ इस साल को खुशामदीद कहा जा रहा है कि ये साल खुशियों से भरपूर रहे, पुरसकून रहे, पूरी दुनिया में अमन कायम रहे। रावलपिंडी, लाहौर और कराची का तो मज़ेदार लग रहा था। मतलब इतने बड़े लेवल पर होता है कि वहाँ पर एक मीनार
के आसपास सारा जश्न हो रहा था और बहुत तगड़ा फायरवर्क किया गया था। रोशनी, रंग बिरंगी रोशनियां वहां पर बिखेरी हुई थी क्योंकि नया साल आ रहा था। जैसा कि मैंने बीच में बोला कि पाकिस्तान के लिए 2022 आई थिंक बहुत अच्छा साल नहीं रहा है, तो होप कर रहे होंगे इस टाइम पाकिस्तानी सारे की उम्मीदें, दुआएं कर सकते हैं नए साल के लिए कि नया साल जो 2023 अभी एंटर हुए हैं सब लोग उसमें, तो वो पाकिस्तान के लिए बेटर हो, अच्छा हो और कुछ डेवलपमेंट हो, कुछ तरक्की हो, जो नुकसान हुए हैं उससे उभर कर आएँ, तो ऐसी कुछ उम्मीदें होंगी। सभी लोगों को हम भी विश करते हैं कि नया साल मुबारक हो, और मुबारक होता है या नहीं वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। डिसीजंस मेकिंग एंड बहुत सारे जो रेजोल्यूशन कर लेते हैं लोग कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो सारी चीज़ों पर खरा उतरना भी एक बड़ी चुनौती होती है, एक बड़ा टारगेट होता है जिस पर हर कोई खड़ा नहीं उतर पाता है। तो आप क्या उम्मीद करते हैं नए साल से, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।